नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम अनार के पौधे से, अनार अगर नहीं आ रहे हैं आपके अनार के पौधे पे, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, चार आपको टिप्स बताऊंगा, तो आप पूरी टिप्स को सुनिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उस मेरे पौधे में दो अनार आए हुए हैं। कितने सुंदर अनार लग रहे हैं, कितने प्यारे अनार लग रहे हैं। अभी ये पके नहीं हैं, जब ये पक जाएंगे तो मैं इनकी हार्वेस्ट करते हुए भी वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा अंदर से कैसे हैं ये अनार जो मैंने गमले में उगाए हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टिप नंबर वन जो आपको दूंगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है पॉट साइज। ये जो मेरा अनार का पौधा है, ये मैंने 12 इंच के सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है। अनार के पौधे को खाद, पानी, फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पेस। अनार के पौधे को स्पेस चाहिए होता है, तो आप इसे कम से कम 10 इंच के गमले में या 12 इंच के गमले में लगाएं, ताकि इसकी जड़ों को अच्छी तरह से स्पेस मिल पाए और ताकि ये अच्छी तरह से प्लांट ग्रो कर पाए। बहुत ही छोटे पॉट में ये प्लांट जो है बड्स तो बेयर करता है, लेकिन फ्रूट्स नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टिप नंबर टू की, जो कि है प्लांट में, सॉइल में एसिडिटी मेंटेन रखना। ये जो चीज़ है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि जो अनार का पौधा है, बिल्कुल गुलाब के प्लांट की तरह ही अनार के पौधे को भी एसिडिक सॉइल पसंद है। तो आप हर महीने इस पौधे में जो है एक चम्मच विनेगर ले लो, सिरका कोई भी ले सकते हो, वाइट विनेगर ले लो, एप्पल साइडर, कोई भी विनेगर आप एक मग पानी में मिला के हर महीने में आप इसमें डाल दो। उससे प्लांट ये जो है अच्छी तरह से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर पाएगा मिट्टी में और प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टिप नंबर थ्री की, जो है फर्टिलाइजर की। मैं आपको बताऊंगा जो मैं फर्टिलाइजर डालता हूं। सबसे पहले तो आप आधा चम्मच के करीब पोटाश इसके अंदर डाल दो। हर मंथ में आपने दो बार डालना है, हर 15 दिन में एक बार डालेंगे हम ये। और इसमें 15-20 दाने मैं TAP के डालता हूँ। ये DAP है मेरा 12 इंच का गमला, अगर आपने छोटे गमले में लगाया तो आपको उस हिसाब से जो है क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं, आधा चम्मच पोटाश डाला मैंने और मैंने 15-20 दाने जो है DAP के डाल दिए इसके अंदर। ये आप हर 15 दिन में करेंगे या फिर मंथ में दो बार करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और जो मैं फर्टिलाइजर इसमें डालता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो है एप्सम सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालोगे तो बहुत अच्छा, नहीं डालोगे तब भी चलेगा। हालांकि एप्सम सॉल्ट के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को प्लांट में होने नहीं देता। तो एक टीस्पून मैंने एप्सम सॉल्ट ले लिया, उसे मैंने, ये रिसाइकल्ड मेरी बॉटल है, इसके अंदर डाल लिया। इसे अच्छी तरह घोल के मैं पूरे प्लांट की पत्तियों पे शेक करके डाल दूंगा। इसे प्लांट की पत्तियों पर हम डालेंगे तो डायरेक्टली तो क्या होगा, पत्तियां अब्जॉर्ब करेंगी न्यूट्रिशन को, एप्सम सॉल्ट को वो अब्जॉर्ब करेंगी, और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी अगर प्लांट में हो रही होगी तो वो नहीं होगी। कई बार हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। तो एप्सम सॉल्ट में डालता हूं अपने प्लांट में महीने में दो बार, और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट आपके सामने। बाकी फ्रेंड्स, फोर्थ टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा इस प्लांट के अनार के बारे में, वो यही है कि आप कम से कम इसे 4-5 घंटे की धूप दें। जितने भी प्लांट्स हमारे फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, उन्हें डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप इस प्लांट को डायरेक्ट धूप में रखें, साथ ही साथ आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर जो है बटरफ्लाइज वगैरह या मधुमक्खियाँ आती रहती हों, ताकि वो पॉलिनेशन में मदद करें इस प्लांट की और इसमें फ्रूट्स बन पाएँ कलियों से। बाकी इस प्लांट पर कलियाँ बहुत सारी आती हैं, फ्रूट्स बहुत ही कम बनते हैं। मेरे भी इस प्लांट पर कई सारी कलियाँ आई थी, लेकिन सिर्फ दो ही फ्रूट्स बने। तो इसीलिए आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।